हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं मटर पनीर की तरी बना रही हूँ। इसके लिए हम मटर लेंगे और ये मटर पनीर अलग स्टाइल में है और खाने में भी काफ़ी यमी है। अब हम मटर को भाप में उबाल लेंगे और पनीर लेंगे हम प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन की पत्ती, जीरा, टमाटर, लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा लेंगे इसमें। और ये बेसिक मसाले हैं कि इस तरीके से मसाले दे के बनाने से एक अलग ही फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में। अब हम इसे अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे। ये हम सरसों तेल में बना रहे हैं, इसमें ना बटर लगेगा और ना ही कुछ भी। ये बहुत कम मसालों में और बहुत ही यम्मी बनती है सब्ज़ी। अब इसमें हम मसाले को डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची एक चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे एक चम्मच और इसे अच्छे से हम भूंज लेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए, तब तक हम इसे फ्राई करें। और यह खाने में काफ़ी यमी है और ये अलग स्टाइल में भी है और काफ़ी टेस्टी है ये। अब हम मसाले को भूंज लेंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी को डालेंगे थोड़ी सी। अब इसमें हम मटर डाल देंगे, ये उबली हुई मटर है, इसे भी हम 5 मिनट के लिए भूंज लेंगे। थोड़े से पानी डाल के इसे मसाले को अच्छे से इसमें थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई भूंजे अच्छे से, इसमें खुशबू आने लग जाए तब तक। अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी और डाल देंगे और इसे ढक के 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए देंगे। अब ये हमारी सब्ज़ी में उबाल आ गई है अच्छे से। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और पनीर डाल के इसे अच्छे से और उबालेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम चीनी डालेंगे। ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और यह काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई करें। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। यह काफ़ी यमी लगती है खाने में और ये थोड़ी सी स्पाइसी बनती है ये सब्ज़ी। आप चाहे तो स्पाइसी कम